वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल उर्दू बाल भारती तीसरी जमात। आज हम सबक नंबर 2 हजरत हलीमा रज़ियल्लाह इस सबक का मुतालिया करेंगे और देखेंगे सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबक नंबर 2 हजरत हलीमा रज़ियल्लाह। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बद्दुओं के घर भेज दिया करते थे। बद्दू औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती और इनकी देखभाल करती थी। गरीब औरतों के लिए रोजी कमाने का ये एक जरिया था। बीबी हलीमा रज़ियल्लाह भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाई हलीमा रज़ियल्लाह भी कहते हैं। बीबी हलीमा रज़ियल्लाह के शोहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा रज़ियल्लाह मेहनत मजदूरी में अपने शोहर का हाथ बटाती। एक मर्तबा बीबी हलीमा रज़ियल्लाह के गांव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंची। बीबी हलीमा रज़ियल्लाह भी अपने छोटे बच्चे और शोहर के साथ इस काफिले में शामिल थी। सवारी के लिए उनके पास एक कमजोर ऊँटनी थी जो काफिले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुँचे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी, मगर जब पता चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। बीबी हलीमा रज़ियल्लाह कमज़ोर और गरीब थी, इस वजह से मक्के के किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा रज़ियल्लाह भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने शोहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे ही को ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुई तो उस कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेजी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफिले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। बीबी हलीमा रज़ियल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बड़ी बेटी शायमा उनकी गैर हाजिरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रज़ियल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाह का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा रज़ियल्लाह की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक जंग में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई तो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। उनमें शैमा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहचान लिया और आज़ाद करके बड़ी इज्जत के साथ उसके ख़ानदान वालों के पास भेज दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि कैदियों में दाई हलीमा रज़ियल्लाह की बहनें भी हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से में आए हुए तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया। ये देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हलीमा रज़ियल्लाह के ताल्लुक़ की वजह से 6000 कैदी आज़ाद कर दिए गए। यहाँ पर सबक खत्म होता है। अब हम देखेंगे इस सबक में आए हुए चंद मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी। यहाँ पर चंद मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं, आइए जानते हैं उनके मानी। पहला लफ्ज है परवरिश करना, इसके मानी है पालना पोसना। दूसरा लफ्ज है दाया, इसके मानी है बच्चों को खिलाने पिलाने या संभालने वाली। तीसरा लफ्ज है बद्दू, बद्दू के मानी है देहात में रहने वाले अरब। काफिला, काफिले के मानी है एक साथ सफर करने वाले बहुत से लोग। सुपुर्द करना, इसके मानी है हवाले करना। यतीम, यतीम के मानी है जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो। आखिरी लफ्ज है इंतकाल होना, इसके मानी है मर जाना। अब हम देखेंगे सवालों के जवाबात। मश्क, एक जुमले में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1 है अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को कहाँ भेजते थे? जवाब है अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बद्दुओं के घर भेजते थे। सवाल नंबर 2 है कौन सी औरतें अरब के बच्चों की परवरिश करती थी? जवाब है बद्दू औरतें अरब के बच्चों की परवरिश करती थी। सवाल नंबर 3 है बीबी हलीमा रज़ियल्लाह कौन थी? जवाब है बीबी हलीमा रज़ियल्लाह हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थी। सवाल नंबर 4 है बीबी हलीमा रज़ियल्लाह की ऊँटनी कैसी थी? जवाब है, बीबी हलीमा रज़ियल्लाह की ऊँटनी कमजोर थी। सवाल नंबर 5 है, बीबी हलीमा रज़ियल्लाह की गैर हाजिरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में कौन संभालता था? जवाब है, बीबी हलीमा रज़ियल्लाह की गैर हाजिरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में उनकी बड़ी बेटी शायमा संभालती थी। सवाल नंबर 6 है, वालिदा के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? जवाब है, वालिदा के इंतकाल के बाद दादा और चाचा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। अब सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखो। नंबर 1, रोजी कमाने के लिए बद्दू औरतों का जरिया क्या था? जवाब है, अरब के लोगों के छोटे बच्चों को दूध पिलाना और इनकी देखभाल करना बद्दू औरतों का रोजी कमाने का जरिया था। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा क्या चाहती थी? जवाब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी। सवाल नंबर 3 है, काफिले की औरतों को ताज्जुब क्यों हुआ? जवाब है, जैसा ही बीबी हलीमा रज़ियल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी पर सवार हुई, उनकी कमज़ोर ऊँटनी में जान आ गई। वो तेज़ी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी थी। ये देखकर काफिले की औरतों को ताज्जुब हुआ। सवाल नंबर 4 है, जंग के 6000 कैदियों को क्यों छोड़ दिया गया? जवाब है, कैदियों में बीबी हलीमा रज़ियल्लाह की बेटी शायमा और उनकी बहनें भी शामिल थी, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हलीमा रज़ियल्लाह के ताल्लुक के सबब जंग के 6000 कैदियों को छोड़ दिया गया। अब सवाल है, सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। हम सबक पढ़ चुके हैं, इसलिए हम खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखेंगे। नंबर 1 है, बीबी हलीमा रज़ियल्लाह के शोहर का नाम खाली जगह था। यहाँ पर खाली जगह में आएगा हारिस, क्योंकि बीबी हलीमा रज़ियल्लाह के शोहर का नाम हारिस था। नंबर 2 है, हम इस खाली जगह बच्चे ही को ले जाएंगे। खाली जगह में आएगा यतीम। नंबर 3 है, कमज़ोर ऊँटनी में जैसे खाली जगह पड़ गई। खाली जगह में आएगा जान। नंबर 4 है, बीबी हलीमा रज़ियल्लाह ने खाली जगह को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया। खाली जगह में आएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरगर्मी, यहाँ पर हमें सरगर्मी करना है। 3 जुमले दिए हुए हैं। आइए पहले इन जुमलों को हम पढ़ लेते हैं। जुमला नंबर 1 है, बीबी हलीमा रज़ियल्लाह अपने शोहर का हाथ बटाती। जुमला नंबर 2 है, कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। और जुमला नंबर 3 है, बीबी हलीमा रज़ियल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी। यहाँ पर क्या करना है, इन जुमलों के आखिर में आने वाले लफ्ज़ों के मानी अपने उस्ताद से पूछकर बयाज में लिखो। जुमला नंबर 1 में आखिरी लफ्ज़ है हाथ बटाती। हाथ बटाना इसके मानी है मदद करना, और हाथ बटाती इसके मानी है मदद करती। जुमला नंबर 2 में आखिरी लफ्ज़ है जान पड़ गई। जान पड़ जाना यानी ताकत आ जाना, और जान पड़ गई इसके मानी है ताकत आ गई। जुमला नंबर 3 में आखिरी लफ्ज़ है ख्याल रखती थी। ख्याल रखना इसके मानी है देखभाल करना, और ख्याल रखती थी इसके मानी है देखभाल करती थी। अब हम देखेंगे आखिरी सरगर्मी। सवाल है, इस जुमले को गौर से पढ़ो। वो एक गरीब आदमी थे। इस जुमले से मालूम होता है कि आदमी कैसा था। आदमी गरीब था। सबक में ऐसे बहुत से लफ्ज़ आए हैं जो कुछ चीज़ों की खासियत बताते हैं, मसलन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यतीम बच्चे वगैरह। ऐसे लफ्ज़ों को सबक से तलाश करके लिखो। जवाब है कमज़ोर ऊँटनी। ये सबक में आया हुआ लफ्ज़ है। ऊँटनी की खासियत बताता है कि ऊँटनी कैसी थी, कमज़ोर। उसी तरह छोटे बच्चे, बच्चे कैसे थे, छोटे। उसी तरह गरीब औरतें, औरतें कैसी थी, गरीब थी। इसके अलावा भी सबक में और बहुत से अल्फाज आए हुए हैं। आप उन्हें तलाश करके अपनी बयाज में लिखिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक और इसके सवालों के जवाबात अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।